मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि करोड़ों करोड़ों भारतीयों में से हर एक को यही लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। यह हमारे आप में एक अनोखी घटना है कि हर घर को यह लग रहा है कि मेरा कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीत लोगों के नव उत्साह, नव ऊर्जा और संचार पैदा करने वाले थे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। करोड़ों करोड़ भारतवासियों में से हर एक को ये लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। ये अपने आप की मैं एक अनोखी घटना है कि हर घर को ये लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीत लोगों में एक नव उत्साह, नव ऊर्जा का संचार करते थे। मैं स्वयं अपना बता रहा हूं, कल से ऐसी रिक्तता आई है कि जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है। व्यस्तता के कारण समय कम मिलता था, लेकिन जब भी मैं गाड़ी से कहीं जाता था तो मेरी एक ही हॉबी होती थी कि लता जी की सीडी कैसेट कुछ मिल जाए वो लगा दी जाए। भारत की जनता के रोम रोम में जैसे रम गया उनका जाना। ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। लता जी के बिना न संगीत जाना जाएगा और न ये देश जाना जाएगा, लेकिन अब ये सच है कि वो हमारे बीच अपने गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सदैव बनी रहेंगी। आज उनकी स्मृति में संगीत जगत के हमारे ख्यातिनाम साथियों के साथ वट वृक्ष लगाया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में हुआ था, और इसलिए ये फैसला हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, संगीत महाविद्यालय, जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे, और एक ऐसा संग्रहालय जिसमें लता जी ने जब भी जो कुछ गाया है वो उपलब्ध रहेगा। वो संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों से चर्चा करके उसका क्या स्वरूप बने उसका निर्माण किया जाएगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो सबको प्रेरणा देगी, क्योंकि लता जी केवल संगीत की जगत की रोशनी नहीं थी, वो देशभक्ति का भी एक ऐसा हस्ताक्षर थी कि जिससे पूरा देश, यहां तक के बड़े बड़े राजनेता भी प्रेरणा लेते थे। उनकी प्रतिमा भी हम वहां स्थापित करेंगे। उनके जन्मदिन पर ही अब हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। दीदी, हम तुम्हें ना भुला पाएंगे। उनके चरणों में सिर विनम्र श्रद्धांजलि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।